बहुत ज़्यादा हो रही है अभी तो। मैं शांतिकुंज से निकल गई हूँ ऋषिकेश जाने के लिए। मैं नीलकंठ भी जाऊँगी, तो मतलब पहले मैं नीलकंठ जाऊँगी, उसके बाद मैं आते हुए वापसी में ऋषिकेश आऊँगी और उसके बाद वापस शांतिकुंज आ जाऊँगी, क्योंकि शाम हो जाएगी तो 6-7-8 बजे तक तो पहुँच ही जाऊँगी वापसी में। नीलकंठ जाने के लिए वैसे तो यहाँ से ये बोलेरो जाती हैं, बट मुझे साथ में लिफ्ट मिल गई, मतलब एक तरह से 3 लड़कियों का ग्रुप मिल गया था, उनके साथ ही मैं निकल गई। बस इतना था कि मैंने इनके स्कूटी में जो पेट्रोल लगा उसमें शेयरिंग कर दी थी, मतलब पैसे दे दिए थे। यहाँ से क्या होता है कि स्कूटी आप रेंट पर ले सकते हैं नीलकंठ जाने के लिए, ऋषिकेश के एरिया में घूमने के लिए, और शाम को आपको स्कूटी वापस करनी होती है। और मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था खड़े खड़े, बोलेरो मिल नहीं रही थी, मतलब कोई भी गाड़ी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है। तो दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ नीलकंठ मंदिर, और अभी ये मैं बाहर मार्केट में हूँ, मतलब एंट्री कर रही हूँ, आगे जा रही हूँ। ये देखिए ये यहाँ पे मतलब मेन एंट्रेंस है यहाँ से नीलकंठ मंदिर का, सामने आपको बोर्ड दिख रहा होगा। भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ से मैं जा रही हूँ, अभी मैं प्रसाद भी लूँगी। इसकी चढ़ाई धीरे धीरे वैष्णो देवी मंदिर की तरह है, बस चढ़ते जाओ और चढ़ते जाओ, काफ़ी ऊपर है ये मंदिर। देखो कितना सुंदर है ये जो मैं आपको लाइन दिखा रही हूँ, राइट में लाइन लग रही है, इस लाइन में लास्ट में जाके मुझे लगना है, इसी लाइन में, मतलब ये मंदिर की साइड जा रही है लाइन नीचे की साइड। अभी प्रसाद भी कहीं लूँगी, यहाँ ढोल वोल बज रहे हैं बढ़िया तरीके से। देखो कितनी लंबी लाइन है, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, भगवान जाने यार, बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन है ये, तो पता नहीं कितनी आगे तक है। ये देखो ये मैंने ले लिया है प्रसाद, 100 रुपये की थाली भी थी बट मैंने थाली नहीं ली। इस प्रसाद में बहुत सारी चीज़ें आई हैं, फूल है और गुलाब जल भी है, धूपबत्ती है, ये छोटी सी तस्वीर भी है, और भी कई सारी चीज़ें, 2-3 चीज़ें और हैं यार, काफ़ी अच्छा है। जब मैं आपको इस लाइन में लगने के लिए जब मैं दिखा रही थी आपको वीडियो बना के, तो वहाँ नीचे से लास्ट में सामने से दिखा रही थी कि मुझे इस लाइन में लगना है, और ये देखो अभी मैं यहीं पे ही हूँ। ये आंटी सोच रही है इस लड़की को चैन नहीं है, हम गर्मी में लाइन में लगे पड़े हैं, वीडियो बनाया जा रही है। लाइन में खड़े खड़े बस इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, और अब मैं बस पहुँचने ही वाली हूँ थोड़ी देर में। सामने देखो वहाँ पे दर्शन हो चुके हैं, अब मैं आ गई हूँ बाहर की साइड। यहाँ पे समुद्र मंथन का ये इधर ये सीन बनाया हुआ है, और ये देखिए नीलकंठ महादेव मंदिर। जिसका आना नहीं हो पाया अभी तक, वो यहीं वीडियो में ही दर्शन कर लो। सामने है नीलकंठ महादेव मंदिर और बहुत सुंदर मंदिर है। इधर ये है यहाँ का मार्केट, और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे छोटी छोटी, मतलब पीतल की हैं शायद ये मूर्तियाँ जो बनी हुई हैं। और अब मैं जा रही हूँ यहाँ से वापस, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं परेशान हो गई हूँ बुरी तरीके से। नीलकंठ के दर्शन तो हो गए हैं, और अब मैं जा रही हूँ ऋषिकेश। ये देखिए रास्ते में ये इतना सुंदर व्यू देखने को मिला यार, मतलब एकदम वाव था ये जो सीन है,
कितना प्यारा लग रहा है, पहाड़ों पहाड़ों के बीच में, एकदम बीच में गंगा जी बह रही हैं। और ये रोड बहुत ज़्यादा रिस्की था। मैं पहुंच चुकी हूँ ऋषिकेश, सामने उधर राम झूला है क्योंकि लक्ष्मण झूला अभी के लिए बंद है। ये देखो यार, मतलब सुकून वाली जगह है। मैंने बोला था ना कि शाम हो जाएगी, सामने देखो सूरज ढल रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। वहाँ पे सामने रिवर राफ्टिंग भी हो रही है, उधर राइट में आगे मैं दिखाती हूँ। वहाँ से देखो सारे लोग, मतलब वहाँ से इनकी बोट वगैरह उतार रहे हैं ये, और यहाँ से बच्चे बैठ रहे हैं रिवर राफ्टिंग के लिए। ये गौ माता भी यहाँ के नज़ारे का मज़ा ले रही हैं, कितने मस्त होके बैठी हुई हैं एकदम। उधर सामने राम झूला है, अभी मैं वहाँ भी जाऊँगी, सामने जो आपको ब्रिज दिख रहा होगा ना उधर। और ये नज़ारा यार, मतलब मैंने हाथ मुँह धोया था, काफ़ी ठंडा पानी है, बहुत ही प्यारा लग रहा था, मतलब बहुत ही एकदम कूल कूल लग रहा था पानी, काफ़ी अच्छा लग रहा था, रेत रेत है पूरा। अब मैं जा रही हूँ राम झूला की साइड और उस साइड का नज़ारा दिखाती हूँ आपको। ये मैं पहुँच गई हूँ इधर राम झूला, और ये देखिए सेम ऐसा ही लक्ष्मण झूला भी है, राइट में लेफ्ट में, मतलब ऊपर गंगा जी नीचे हैं और ऊपर ये इस टाइप का ये ब्रिज बना हुआ है। लक्ष्मण झूला पे भी ऐसा ही है, सब जानते ही हो गए आप लोग, जो लोग नहीं आए वो यहाँ घूमने आओ, देखना बहुत सुंदर है। सामने सूरज ढल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ राम झूला के पास में ये घाट है, यहाँ पर मैं आई हूँ, नीचे अब उतरी हूँ। और इधर से भी देखो कितना सुंदर लग रहा है गंगा जी। यहाँ पे ये बोटिंग का भी मतलब है। इधर मैंने ये कुछ फोटोज क्लिक करवाई थी। घाट पर आरती हो रही है यहाँ पे, और जैसे हरिद्वार में आरती होती है इसी तरीके से यहाँ पर भी घाट पर आरती हो रही है। लोग टाइम से पहले ही यहाँ बैठे हुए थे। सामने बोटिंग हो रही है, इधर आरती हो रही है। हाँ, शत्रुघ्न घाट है ये। ये देखिए ये आंटी यहाँ से ही आरती कर रही हैं। काफ़ी सुंदर नज़ारा है, बहुत ही सुकून शांति मिलती है, एकदम चैन अमन शांति सब मिल जाता है। घाट पर इस तरह का नज़ारा होता है, बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं चल पड़ी हूँ वापस शांति कुंज के लिए, क्योंकि अंधेरे के बाद वहाँ पे एंट्री नहीं होती है, इसलिए मेरे को पहुँचना बहुत जल्दी है, जल्दी से जल्दी। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ घूम के। आप मुझे कमेंट्स में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। मैं अच्छे से नहीं दिखा पाई हूँ सारी चीज़ें, लेकिन आप लोग आओगे घूमोगे तो यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। सबने सुना होगा ऋषिकेश का जो एरिया है, नीलकंठ हो गया, ऐसे पहाड़ों के बीच में काफ़ी अच्छा व्यू लगता है। यहाँ पे फ़ोटो वगैरह अगर कोई खिंचवाए तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना, कहीं फ़ोटो खिंचवाते खिंचवाते नीचे पहाड़ों में गिर जाओ, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना और ड्राइविंग अच्छे तरीके से करना। मेरे को तो ये इन लोगों ने हेल्प कर दिया तो इसलिए थोड़ा इजी लगा, मैं गाड़ी से मेरे को नहीं आ पाई मैं इस वजह से। और भी लिंक्स आपको मिल जाएंगे वीडियोस के, शांति कुंज का, हरिद्वार का। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, बी सेफ बी हेल्दी।